सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद ईएमएफ एंड वोल्टेज, उसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल पोटेंशियल क्या होता है। हम कहते हैं ना कि उस बंदे का इतना पोटेंशियल है, वो इतना काम कर सकता है, ठीक है। उस आदमी का इतना पोटेंशियल है, वो उतना काम कर सकता है। वही वैसे ही होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक वर्ड लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि किसी चार्ज बॉडी का कितना पोटेंशियल है, मतलब वो चार्ज बॉडी कितना काम कर सकती है। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि द कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो अब हम इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वो होती है हमारे पास वोल्ट। अब हम अगर ये बोलना चाहें कि 1 वोल्ट पोटेंशियल है किसी बॉडी के पास, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करने में 1 जूल एनर्जी यूज़ कर रही है, ठीक है। वो जब कोई बॉडी 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करने में 1 जूल का यूज़ करेगी तो उसको हम कहेंगे कि वो 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस बॉडी के पास। वहीं पे अगर कोई किसी बॉडी का मान लीजिए 5 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, तो अब हम कब कहेंगे कि उसका 5 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? जब वो बॉडी किसी 1 कूलम चार्ज को प्रोवाइड करने के लिए 5 जूल एनर्जी का यूज़ करेगी, मतलब 5/1, तब हमारे पास 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारे पास अगर हमें वर्क डन निकालना है किसी न्यूमेरिकल के लिए, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बहुत जगह पे यूज़ होता है फॉर्मूलाज में, मतलब न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से वर्क डन जो आएगा हमारे पास वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडीज, मतलब दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो डिफरेंस होगा उनके पोटेंशियल्स के बीच में, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ से मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज बॉडीज है, ए और बी। ए पे जो है वो +5 वोल्ट का पोटेंशियल है और बी पे जो है हमारे पास +3 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बॉडी है इसके हर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज पे 5 जूल की एनर्जी होगी, इसके हर एक कूलम्ब पे 5 जूल की एनर्जी होगी। सेम टू सेम वहीं पे बी पे इसके हर एक चार्ज पे, हर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज पे 3 जूल की एनर्जी होगी। तभी तो हमारे पास मान लीजिए अगर 3 जूल की एनर्जी होगी तो 3/1 मतलब 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ए इसका +5 वोल्ट का और +3 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो व्हेन ए एंड बी आर ज्वाइंट थ्रू अ कंडक्टर, अब जब हम इसको किसी कंडक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे, ए और बी बॉडीज़ को, दो बॉडीज़ को हम किसी कंडक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे बॉडी ए में, व्हेन बोथ हैव सेम पोटेंशियल देयर विल बी नो करंट फ्लो। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम पोटेंशियल होगा दोनों जगह पे, ये मान लीजिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, या यहाँ पे 3 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो लूज़ होता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो जब इन दोनों पे बराबर जो है पोटेंशियल होगा तो क्या होगा कि इन पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इनके बीच में। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि करंट तभी फ्लो होगा जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ईएमएफ भी हम कई बार यूज़ करते हैं, कई बार हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ अ डिवाइस, अब ईएमएफ जो होता है वो किसी डिवाइस में होता है, जैसे कि बैटरी होगी हमारी, ठीक है, इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी द बैटरी गिव्स टू इट ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब ईएमएफ क्या होता है, ये उस एनर्जी का मेजर होता है जो वो हर एक कूलम्ब को देती है, ठीक है, हर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज पे वो कितनी एनर्जी देती है, वो होती है हमारी ईएमएफ। वहीं पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से ए एंड बी, जैसे मैंने आपको बताया, इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी यूज बाई 1 कूलम्ब इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 कूलम्ब ने कितनी एनर्जी यूज़ की, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ए और बी टू बॉडीज थी, तो यहाँ से यहाँ जाने को, या यहाँ से यहाँ जाने को
किसी चार्ज ने, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज ने कितनी एनर्जी यूज़ की, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ईएमएफ इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ एनर्जी सप्लाई टू चार्ज। अब ईएमएफ मैंने आपको बता दिया कि ये हर एक कूलम्ब पे कितना चार्ज, हर एक मतलब कूलम्ब ऑफ चार्ज पे कितनी एनर्जी दे रही है, वो होती है ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर ये कोई फोर्स नहीं होती। ठीक है, मतलब कहीं पे अगर आपको धोखा लग जाए कि ईएमएफ कोई फोर्स होती, फोर्स नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ फोर्स, इट इज़ एनर्जी सप्लाई टू अ चार्ज। ठीक है, ईएमएफ मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज करंट टू फ्लो। अब क्या होता है कि ये ईएमएफ जो होती है वो हर एक कूलम्ब पे, हर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज पे एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है ईएमएफ, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये करंट को फ्लो कराने में मदद करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया पीछे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ईएमएफ और वोल्टेज क्या होती है और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होती है। अब रेजिस्टेंस एक बहुत ही आसान टॉपिक है, सबको आता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं क्लियर है तो मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस द अपोजिशन ऑफर्ड बाई अ सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को जो भी अपोजिशन मिलेगी उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मान लीजिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना है, तो इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। सबको पता है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इसमें नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है हमारी, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है ओम, इसका सिंबल ऐसा होता है ओम। वायर इज सेट टू बी हैव एन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट कॉजेज 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट। अब आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, मतलब 1 ओम कब होगा, जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर होगा। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस। तो अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होती है हमारी क्रॉस सेक्शन के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो घरों में सॉकेट लगी होती है उस पर जो सबसे ऊपर वाला होल होता है वो होता है बड़ा। इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस होती है कम, क्योंकि नियम ये है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो क्या होता है, करंट का एक नियम होता है कि जब भी मतलब करंट फ्लो करता है तो वो करता है लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो। अब लेस रेजिस्टिव ये होता है क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो जो हमारा सर्किट में जब किसी भी हमारे अप्लाइंसिस में कोई फॉल्ट आता है, ओवर करंट आता है, तो वो क्या होता है, जो करंट होता है वो यहाँ से होते हुए सीधा अर्थिंग में चले जाता है, क्योंकि जो करंट होता है वो लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करेगा और वो होगा ये वाला। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो चले जाता है सीधा अर्थ में। तो अगला जो हमारा फैक्टर है वो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। अब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है। मान लीजिए हमारा कॉपर है और एक एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो कॉपर में बहुत कम रेजिस्टेंस होगी, वहीं पे अगर हमारा एल्यूमिनियम होगा तो उसमें उससे थोड़ा ज़्यादा होगी, कॉपर से थोड़ा ज़्यादा होगी। तो ये होता है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब जब कंडक्टर के केस में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस उसकी बढ़ती है। तो कंडक्टर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और जब हमारा इंसुलेटर होता है जब उसकी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, और जो हमारा सेमी कंडक्टर है वो तो आपको पता है कि उसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर आपको समझ आ गया। तो इसके बाद हमारा मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो यहाँ से हमको क्या मिलता है, आर इज इक्वल टू रू एल अपॉन ए, जहाँ पे ये जो रू है वो है रेजिस्टिविटी, और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है, हमने बात की थी यहाँ पे कि नेचर ऑफ मेटल, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर एक मेटल की अपनी होती है। ठीक है, मैं कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी। ठीक है, ये हर एक मेटल की अलग होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो वी नो आर इज इक्वल टू रू एल अपॉन ए, हमको पता है, हमने अभी देखा कि यहाँ से कैसे आर इज इक्वल टू रू एल अपॉन ए आया, तो यहाँ से हमारे पास रो क्या आ जाता है, आर ए अपॉन एल।
ठीक है, आर ए अपॉन एल, तो यहाँ से हमारा रो जो आ जाएगा, आर की यूनिट क्या होती है ओहम, और ए की होती है हमारे पास, एरिया की होती है हमारे पास मीटर स्क्वेयर, और लेंथ की होती है मीटर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है ओहम मीटर इसकी यूनिट। रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारे पास आ जाएगी ओहम मीटर। तो हमने स्टडी किया रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है हमारे पास कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस अपोजिशन होती है, और ये होता है कि कितना अलाउ करता है वो, कितना कंडक्ट करता है करंट को। तो इसको हम कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/r, मतलब 1/ रेजिस्टेंस। सो 1/ ये हमारे पास यहाँ पे ये कंडक्टेंस है, तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, 1/ रेजिस्टिविटी। तो इसको हम सिग्मा से डोनेट करते हैं कंडक्टिविटी को, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, मतलब 1/ रेजिस्टिविटी। सो वी नो दैट जी इज इक्वल टू 1/r, जी इज इक्वल टू 1/r, ठीक है, और हमें पता है कि विच इज इक्वल टू a/ρl। अब ये कहाँ से आया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ से आया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमको मिल गया कि a/ρl इज इक्वल टू सिग्मा a/l। अब ये हमारे पास आ गया कंडक्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, सीमेन पर मीटर। तो हमने सबसे पहले स्टडी किया आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, उसके बाद हमने स्टडी किया पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज हमने देखा, फिर रेजिस्टेंस देखा, उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, फिर रेजिस्टिविटी की यूनिट, और हमारे पास कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी हमारा हो चुका है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट मैंने आपको बता दी, एक सीमेन पर मीटर होती है। तो अब हमने स्टडी कर लिया है वोल्टेज और करंट को, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला लॉ वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन होता है ओम्स लॉ, सबसे पहला लॉ इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक लॉ। तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉन्स्टेंट, मतलब रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और उस कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। V/I इज इक्वल टू R, लेकिन ये कॉन्स्टेंट तब कब तक होगा, जब तक हमारे पास फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होंगी। ये एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब फिजिकल कंडीशंस चेंज होती है लाइक टेम्परेचर, तो फिर चेंज हो जाएगी रेजिस्टेंस। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ओम्स लॉ के लिए ये कंडीशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी ये अप्लाई एप्लीकेबल होगा V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, ठीक है, तभी ये कांस्टेंट है। लेकिन ये तब होगा जब हमारे फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होंगी। तो अगर हम ग्राफ की बात कर ले, वी और आई के बीच में ग्राफ की बात कर ले ओम्स लॉ के, तो जैसे ही वी हमारा बढ़ता है वैसे ही आई भी हमारा बढ़ रहा है, देखिए बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है, मतलब जितना वी बढ़ रहा है उतना ही आई बढ़ रहा है। लेकिन इसमें बस ये बात ध्यान रखने की है कि फिजिकल कंडीशंस डू नॉट चेंज, फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए तब तक हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ओम्स लॉ समझ आ गया होगा। इसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, और उसके बाद हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।